रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने लूट करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को हनुमान मंदिर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आदित्य शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी जेल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा मयंक कुमार त्रिपाठी पुत्र कमल किशोर त्रिपाठी निवासी B23 आवास विकास कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रदीप श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय बनारसी लाल श्रीवास्तव निवासी धानी बाजार थाना ब्रिजमनगंज जनपद महाराजगंज हाल मुकाम सिटी मॉल के सामने चाय की दुकान थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का 400 रुपये 2 सोने की चैन को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त मयंक कुमार त्रिपाठी पुत्र कमल किशोर त्रिपाठी निवासी B23 आवास विकास कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ने बताया कि मेरे घर के बगल का लड़का मेरे रजाई गद्दे की दुकान जो कमल इंटरप्राइजेस के नाम से है उसी पर आदित्य शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी जेल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर काम करता है। हम लोग किशन उर्फ आकाश यादव शानू की मोटरसाइकिल हीरो होंडा शाइन मांग कर लाए थे। उक्त मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पर टेप लगाकर हम लोगों ने दिनांक 25 मई को तारामंडल में एक वृद्ध महिला से एवं दिनांक 17 जून को तारामंडल से ही एक महिला से चेन स्नैचिंग किया था। दिनांक 25 मई को एवं दिनांक 17 जून को सुबह 6 बजे तारामंडल अम्बेडकर मैदान के पास से एक महिला के गले से चेन छीनी गई थी। अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चेन बरामद कर लिया गया है तथा प्रदीप श्रीवास्तव उर्फ रिंकू जो सिटी मॉल के सामने पान की दुकान खोले हुए है जो पूर्व से इन लोगों का परिचित है वह यह जानते हुए भी कि यह लूट का माल है माल को छिपाने व बिकवाने में उनका सहयोग करता है और इस आधार पर प्रदीप श्रीवास्तव को 414 का अभियुक्त है जिसके आधार पर उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकार की अनेक घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया गया है जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव राहुल यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ द्वाल द्वारा एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है जिसमें उन्होंने एक चैन स्नेचर्स की गैंग को पकड़ा है जिन्होंने 25/5/2023 और 17/6/2023 को दो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे महिलाओं के गले की चैन छीनी थी। पहली घटना के बाद में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी बाइक वगैरह को ट्रेस किया था लेकिन बाइक पर ये लोग पट्टी लगा के चलते थे और सुबह के समय में ताकि पता ना चल सके हेलमेट पहनकर और मास्क पहनकर ये घटना कारित करते थे। दूसरी घटना के बाद पहली घटना में पहुंच पाते तब तक उन्होंने दूसरी घटना कारित की। इसमें CCTV पूरे शहर के खंगाले गए और एंड में ये जहाँ के रहने वाले हैं उस क्षेत्र में जाके CCTV बंद हुए तो पता चला और हुलिया दिखाने पर मास्क के आधार पर लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उस आधार पर कल इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दोनों अभियुक्त एक का नाम आदित्य शर्मा है और दूसरे का नाम मयंक कुमार त्रिपाठी है। मयंक कुमार त्रिपाठी का अपना कमल एंटरप्राइजेज नाम का शॉप है जिसमें ये गद्दे वगैरह बेचने का काम करते हैं और दूसरा अभियुक्त आदित्य उनके वहीं शॉप पर काम करता है। तीसरा अभियुक्त वो है जिसने ये बाइक उनको इस घटना में कारित करने के लिए दी थी और एक और व्यक्ति जो पान की दुकान चलाता है जिसने इनको लूट की है जो चैन है इसको बेचने में सहयोग किया था। इस तरह 4 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की उनमें से 3 को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों चैन बरामद की जा चुकी है और जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। चैन जिसको बेची गई है उनको ट्रेस किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति हैं ये लेकिन जिसने बिकवाया है उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। मोस्ट प्रोबेबली जिस व्यक्ति ने चैन को खरीदा है उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये लूट की चैन है लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई है अमल में लाई है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन ये 2 मुकदमे हैं ये दोनों लूट के पंजीकृत किए गए थे और दोनों महिलाएँ जिनके साथ ये घटना कारित हुई थी उन्होंने बाइक और अभियुक्तों द्वारा घटनाकारित की तस्दीक किया है तो ये एक अच्छा और सफल अनावरण। थैंक यू।